थोड़ा ग्लैमराइज साइड पे है, मेकअप स्मोकी है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है एंड आई होप आपको ये लुक्स पसंद आए एंड दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूजली वेयर इन माय शो. तो उन्होंने इसमें भी मुझे बहुत हेल्प किया है, चाहे वो दिल धड़कने दो में क्रूज में जाना हो या बचपन में किसी ऑडिशन में जाना हो, साथ ही रही है. तो और कभी कभी बिकॉज शी इज़ अ मदर, बींग अ मदर, वो यू नो अकंपनी कर लेती हैं एंड उनका क्योंकि क्रिएटिव साइड में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है फैशन में. हाय गाइस, दिस इज खुशी दुबे एंड यू आर वॉचिंग टेरी चस्का.
सुपर हैप्पी. इट इज वेरी डिफरेंट और ये तो मतलब और ही खूबसूरत और बहुत ही यू नो कैसे बोलूँ मैं, खूबसूरत और इम्पैक्टफुल लग रहा है. एंड सब बहुत प्यारा है. लेट्स गो. वेलकम टू टेली चस्का. एंड आज हमारे साथ चिक्की नहीं है बल्कि खुशी खुद है एंड वो भी अलग अवतार में. सो लाइक स्पीचलेस हूँ मैं तो. बट व्हाट डू यू हैव टू से? या मैं भी बहुत स्पीचलेस हूँ एंड स्पेशली शी इज़ अ लवली गर्ल यार. मेरा पूरा वो लोग मेकअप और हेयर कर रहे थे एंड शी वॉज यू नो शी वॉज कैप्चरिंग ऑल ऑफ दैट. शी वॉज गिविंग हर इनपुट सजेशंस ऑल्सो. तो मुझे काफ़ी मज़ा आया. ये लुक बहुत डिफरेंट है एंड चिकी के कैरेक्टर से तो बहुत ही डिफरेंट है. एंड यू नो ये हमारा सेकेंड लुक है. सो दिस इज़ सिल्वर एम्ब्रॉयडर्ड गाउन कम लहंगा काइंड ऑफ अ थिंग. एंड ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरल है और थोड़ा सा यू नो थोड़ा ग्लैमराइज साइड पे है. मेकअप स्मोकी है और न्यूड लिप्स है और हेयर स्टाइल इज़ अ मेसी बन. तो यू नो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड आई एम लविंग दिस. या सो आई हैव सीन दैट आपने पहले लुक को यू गिव दैट मोमेंट लुक वाला लाइक बट इट वॉज क्यूट एंड अडोरेबल लुक. बट इस लुक में एवरी थिंग इज मिक्सड अप. लाइक यू हैव गिवन इट द दीपिका लुक, यू हैव गिवन इट स्मोकी लुक, यू हैव सेड इट प्रिंसेस लुक. सो व्हाट डू यू हैव टू से दोनों लुक्स के बारे में इंडिविजुअली? बहुत प्यारे लगे मुझे. आई थिंक मुझे रियल लाइफ में भी अगर पहनना हुआ तो आई वुड गो फॉर बोथ द लुक्स. फर्स्ट वाला थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे था, जेंटल साइड पे था और ये थोड़ा सा यू नो इम्पैक्टफुल और थोड़ा सेक्सी साइड पे है. मुझे बहुत मज़ा आया एंड द आउटफिट्स अ वेरी जो आउटफिट है स्पेशली ये बहुत ही बहुत सुंदर लग रहा है. बट इट्स वेरी इजी टू कैरी एंड आई थिंक अब तो जो यू नो मॉडर्न डे गर्ल्स होती हैं उनको तो आउटफिट जितना लाइट रहे उतना अच्छा लगता है. सो या ओके. सो लास्टली व्हाट डू यू हैव टू से जब मतलब आई हैव सीन यू पर्सनली ऐसे लुक में पहली बार एंड ऑडियंस ने तो आई गेस आशिकाना के सीजन 3 में देखा है आपको ट्रेडिशनल लुक्स में. सो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दिस इज़ अ सेपरेट फोटोशूट अलग से ब्राइड
प्रिंसेस काइंड लुक. तो वो आप लोग बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे टू यू नो एक्सपेरिमेंट विद माई लुक्स एंड गिव यू न्यू मटीरियल एवरीथिंग. तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है एंड आई होप आपको ये लुक्स पसंद आए एंड दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट आई यूजली वेयर इन माई शो. और आपको आई होप आपको अच्छा लगे. आप वैसे भी बहुत प्यार देते आए. थैंक यू सो मच. ओके लास्टली मैं एक और पूछना चाहूँगी, वॉट डज पर्सनली खुशी दुबे लाइक प्रेफर्स एज अ लुक? I usually wear very comfortable clothes. मतलब ठीक है, I do try to go, और मेरा कोई ऐसा सेट नहीं है कि मुझे ऐसे ही पहनना है और मुझे ऐसे ही पहनना है. थोड़ा अनकन्वेंशनल साइड पे ही पहनती हूँ मैं. एंड मतलब आई ट्राई टू वेयर कम्फर्टेबल क्लोथ्स ओनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड बी एबल टू कैरी योर सेल्फ वेल रादर देन जस्ट वेयरिंग समथिंग यू कान कैरी. तो हाँ, आई ट्राई टू डू दैट. अब शो में तो मैं काफ़ी कुछ पहन चुकी हूँ, तो रियल लाइफ में मैं कभी कभी बॉडी कॉन्स पहन लेती हूँ, कभी कभी सिंपल यू नो ट्राउज़र और टॉप पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने शो में ऑलरेडी इतना कुछ पहन रही होती हूँ कि मैं रियल लाइफ में बहुत ही सिंपल से ही इधर उधर चली जाती हूँ. या एक्सेप्ट फॉर लाइक पार्टीज या समथिंग, जहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. सो या ओके. एंड व्हाइल यू वर गेटिंग रेडी आई वाज टॉकिंग टू योर मॉम और She is the loveliest, I must say. So, वो हर जगह आपको accompany करती है. She is by your side always. Yeah. What do you have to say about her? She's been, there for me since when? Since I started acting, since I was 5. Apart from that also she's been, but इसमें भी उन्होंने बहुत वो किया है. मेरी पढ़ाई लिखाई से लेके एक्टिंग करियर से लेके, तो पहले वो शी वॉज़ एन MBA प्रोफेसर इन MNNIT एंड देन शी लेफ्ट दैट कम्प्लीटली फॉर मी. एंड उन्होंने फिर मुझे इस लाइन में हेल्प किया बिकॉज मैं काफ़ी छोटे पर से ये लाइन कर रही हूँ. एंड उन्होंने मुझे हमेशा से ये बोला था कि आप क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रह चुकी हूँ, सो शी वॉज़ टेलिंग मी दैट यू हैव टू बैलेंस योर स्टडीज़ एंड दिस करियर, मतलब डोंट लीव दैट कम्प्लीटली. तो उन्होंने इसमें भी मुझे बहुत हेल्प किया है, चाहे वो दिल धड़कने दो में क्रूज में जाना हो या बचपन में किसी ऑडिशन में जाना हो, साथ ही रही है. तो और कभी कभी बिकॉज शी इज़ अ मदर, बींग अ मदर, वो यू नो अकम्पनी कर लेती हैं. एंड उनका क्योंकि क्रिएटिव साइड में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, फैशन में ये सब में, तो वो कभी कभी मेरे साथ आ जाती हैं. एंड या शी इज़ जस्ट लाइक माई PA, बट ऑब्वियसली नॉट लाइक लिटरली, बट शी इज़ ऑलवेज देयर. Been there for me. Yeah. A message to your fans as and lastly channel ID. Okay. So guys, season 4 की shoot start हो गई है. Season 4 is coming really soon. So stay tuned for it. इस बार और भी बहुत सारा romance, प्यार, धमाका, murder सब कुछ होगा.